हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 सॉरी एसएससी कांस्टेबल जीडी 2022 एसएससी जीडी 2021 तो अभी चल रहा है, फाइनल रिजल्ट आने वाला है, लेकिन 2022 की वैकेंसीज आ चुकी है और फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, फॉर्म फिल स्टार्ट हो गया। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो एक बात ये बता दूं कि पूरा नोटिफिकेशन जो है उसके डिटेल में हम वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए, तो वो पूरे पार्ट्स उसके देखने के बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करने में जो कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं वो भी सारी आपको बताएंगे। पूरा फॉर्म किस तरीके से फिल करना है वो भी बताएंगे, किस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस लेना है वो बताएंगे। अब सबसे पहले तो देखिए, पे स्केल जो है वो सभी का सेम है, सिर्फ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है उसका पे स्केल कम है। सिपाही नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, जब से देखिए एसएससी जीडी 2011 में पहली बार हुआ था, उसके बाद पहली बार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का भी इसमें वैकेंसी शामिल किया गया है, जो कि वैकेंसीज बहुत कम है। और दूसरी बात ये बता दूं कि एक सबसे बड़ा डाउट हमारे साथियों का ये है कि स्टेट वाइज चार्ट नहीं दिया है वैकेंसीज का, तो क्या इस बार सभी ऑल इंडिया होगा? ऐसा नहीं, यहां मैं आपको बता देता हूं। देखिए, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, इनका जो वैकेंसीज है यहां से यहां तक, ये वैकेंसीज जो है वो स्टेट वाइज है, यूटी वाइज है, स्टेट और यूटी के अकॉर्डिंग है। अब हम देखते हैं कि मेल कैंडिडेट्स के लिए तो सभी फोर्सेस में वैकेंसीज है, लेकिन अब आपकी स्टेट में वो वैकेंसी है या नहीं है, आप फर्स्ट चॉइस दे देते हैं। जैसे हम बात करें कि सीआईएसएफ के एससी की 8 ही वैकेंसीज है, एसटी की 5 है, एसओबीसी का 18 है। अब कोई कैंडिडेट फर्स्ट प्रेफरेंस सीआईएसएफ रख देता है तो क्या होगा? यदि उनके यहां पे जीरो वैकेंसी है तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पोस्ट प्रेफरेंस हो सकता है। देखिए, अभी कुछ वैकेंसीज आई हैं फीमेल कैंडिडेट्स का भी, 10 वैकेंसीज है सीआईएसएफ में, यूआर कैटेगरी के लिए है वो। यदि हम देखें एसएसबी के लिए, तो एसएसबी के लिए ईडब्ल्यूएस की वैकेंसीज नहीं है, जीरो है, और असम राइफल में फीमेल के लिए वैकेंसीज नहीं है। तो असम राइफल में फीमेल के लिए वैकेंसीज नहीं है, तो क्या फीमेल कोई कैंडिडेट फर्स्ट प्रेफरेंस असम राइफल दे देगी तो उससे क्या होगा? उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्स्ट प्रेफरेंस आप अपने हिसाब से आप फर्स्ट प्रेफरेंस रखिए, और प्रेफरेंस कौन सा कैसे रखना है उसके लिए हम अलग से वीडियो बना रहे हैं। यहां हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि जो वैकेंसी जो है वो आपका स्टेट और यूटी के अकॉर्डिंग है, एसएसएफ और एनसीबी। अब एनसीबी एक नई फोर्स, इसमें नया ऑर्गेनाइजेशन इसमें शामिल हुआ, तो बहुत सारे कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि ये एनसीबी क्या है। तो मैं देखिए आपको बता दूं कि एनसीबी है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, और इसका मुख्य काम क्या है कि जो मादक पदार्थों की तस्करी है उसको कंट्रोल करना, मादक पदार्थों का जो परिवहन होता है उसको कंट्रोल करना, ये सब इसका काम है। जैसे पीछे आपने देखा था कि बॉलीवुड का एक बहुत चर्चित केस कि जिसमें एक क्रूज शिप में शाहरुख खान के बेटे जो है वो कुछ मादक पदार्थों के उनको उनके पास होने का आरोप लगता है और उनको हिरासत में लिया जाता है, तो वो ही फोर्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, एनसीबी ने वो जो ऑपरेशन था वो किया था। तो एनसीबी का काम क्या है? एसएसएफ आप बेहतर समझते हैं, एसएसएफ क्या है? सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स है, जो कि जिसकी दिल्ली में ही ड्यूटी रहती है, वो दिल्ली से बाहर उनका कोई काम नहीं होता है और शिफ्ट में ड्यूटी रहती है। बीएसएफ क्या करती है? बीएसएफ का काम है इंडो पाक और इंडो बांग्ला बॉर्डर जो है हमारा देश, उसके ऊपर बॉर्डर्स की सिक्योरिटी करती है, जो मुख्य टास्क जो है उनका प्राइमरी टास्क वो है। बाकी ड्यूटी तो देखिए कहीं भी उनका लगाया जा सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी में भी उनको लगाया जा सकता है, लेकिन मुख्य रूप से उनका काम जो है वो हमारा जो सरक्रीक एरिया जो है उससे लेकर ऊपर पाकिस्तान कश्मीर के साथ जो लद्दाख के साथ बॉर्डर लगा हुआ है वहां तक, और पूरा बांग्लादेश बॉर्डर जो है वो सिक्योर करती है। सीआईएसएफ हमारा इंडस्ट्री की सिक्योरिटी करती है और साथ में ही मेट्रो, ताजमहल, लाल किला, इन सब की सिक्योरिटी, एयरपोर्ट्स, पोर्ट, इन सब की सिक्योरिटी।
सीआरपीएफ इंटरनल सिक्योरिटी में एक तरह से बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। एसएसबी का जो मुख्य रूप से टास्क है वो एसएसबी का टास्क है कि इंडो नेपाल और इंडो भूटान बॉर्डर जो है उसको सिक्योर करना। और आईटीबीपी का मुख्य काम है जो हमारा चीन के साथ में जो बॉर्डर लगा हुआ है उसको सिक्योर करना। आसाम राइफल पूर्वोत्तर का प्रहरी है, नॉर्थ ईस्ट में इसका काम मुख्य रूप से रहता है। म्यांमार बॉर्डर पे भी इनका डिप्लॉयमेंट है और जो नॉर्थ ईस्ट में जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसमें भी इनका काम रहता है। एसएसएफ की बात हो गई कि एसएसएफ सेक्रेटरी सिक्योरिटी फोर्स जो दिल्ली में ही जिनकी ड्यूटी रहेगी, बाहर कोई काम नहीं है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो देश भर में उनकी ड्यूटी है और सेंसिटिव एरियाज में भी ड्यूटी रहती है उनकी। और जनरली जो ऑपरेशंस हैं वो इनके चलते रहते हैं। कई बार इनको लोकल पुलिस जो है उसके साथ भी कोऑर्डिनेट करना होता है। एक तरह से देखा जाए तो चैलेंजेस जो देखते हैं हम, तो चैलेंजेस तो सभी में हैं, कोई ऐसा फोर्स नहीं है। सबका अपना अपना चैलेंज है, अपना अपना काम करने का एरिया है और अपना अपना काम करने का तरीका है। अब कौन सी फोर्स आपको चुननी है, तो वो फोर्स सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको फोर्स का जो चुनाव है वो आपको, क्योंकि आपके मार्क्स बहुत अच्छे होंगे और उसके बाद आपको बड़ा अफसोस होगा कि मुझे तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चुनना चाहिए था या मुझे एसएसएफ चुनना चाहिए था। मेरिट जो है वो एसएसएफ की सबसे ज्यादा रहेगी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो क्योंकि उस पहली बार ही इसकी वैकेंसीज आई है, तो चॉइस किस तरीके से फिल करना है वो आपको हम वीडियो में बताएंगे। फोर्सेस की बात हो गई और दूसरी बात देखें यहां हम चलते हैं कि आपका एज जो है वो कब से काउंट किया जा रहा है उसके ऊपर हम आ जाते हैं। नेशनलिटी की बात यदि हम करें तो नेशनलिटी इंडिया जो कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। वैकेंसीज इन सीएपीएफ यहां साफ लिखा हुआ है। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये डाउट है कि इस बार ऑल इंडिया चार्ट ही दिया है तो क्या वैकेंसीज ऑल इंडिया है, ऐसा नहीं, साफ लिखा है। आप पैरा 4 पे जाइए, वहां लिखा हुआ है कि वैकेंसीज इन सीएपीएफ एंड एआर आर स्टेट यूटी एरिया वाइज, हेंस अ कैंडिडेट मस्ट सबमिट डोमिसाइल ऑब्लिक पीआरसी अगेंस्ट हिज स्टेट यूटी। आपके डॉक्यूमेंट सबसे पहले जो आपका जो आपके पास जो होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप जिस स्टेट से आप आवेदन कर रहे हैं उस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। बिना डोमिसाइल सर्टिफिकेट के आधार पे अप्लाई नहीं करना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको अभी रेडी करने हैं उसकी भी हम बात करेंगे। अब एज लिमिट पर हम आ जाए, एज लिमिट 18 से 23 ऑन 1 जनवरी 2023। पहले यह कहा जा रहा था कि 1 जनवरी 2022 से कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन 1 जनवरी 2023 से काउंट हो रहा है, यानी 18 साल 1 जनवरी 2023 तक हो जाना चाहिए। 1/1/2023 को आप 18 साल के हो जाते हैं एज ऑन लिखा है तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब अपर एज लिमिट की बात सीधी हम करें तो कैंडिडेट्स शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/1/2000 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए और 1/1/2005 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। एंड लैटर यदि 1/1/2005 को भी जन्म होता है तो डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2005 है तो 1 जनवरी 2023 18 पूरा हो जाए वो आवेदन कर सकते हैं। 1 जनवरी 2005 के बाद जिनका जन्म हुआ है वो आवेदन नहीं कर सकते। इन नॉर्मल कोर्स यहां पर ये लिखा है नॉर्मल कोर्स, हाउएवर आफ्टर रिलैक्सेशन ऑफ 3 years इन अपर एज द कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्लियर देन 2/1/1997। 2 जनवरी 1997 तक के जो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं जिनका जन्म 2 जनवरी 1997 या उसके बाद हुआ है, कब तक, 1/1/2005 तक वो आवेदन कर सकते हैं। 3 साल का छूट दिया गया है किसमें, ड्यू टू अनप्रेसिडेंटेड कोविड पेंडेमिक इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू ग्रांट 3 years एज रिलैक्सेशन बियॉन्ड रेस्पेक्टिव prescribed upper age limit
for all categories of the candidates as one time measure for this recruitment. ये note जो है ये सबसे important है कि देखिए जो reserve category के जो candidates हैं उनको तो छूट मिलता है, जहां एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलेगा तो 23 साल वाले जो हैं उनका कितना हो जाता है 23 और 3 26 हो जाता है, और जो हमारे एससी एसटी के कैंडिडेट्स हैं उनको 5 साल का छूट मिलता है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस जनरल को कोई छूट नहीं मिलता है। तो यहां पर ये कहा गया है, इस नोट का मतलब ये है कि वो छूट 3 साल का सबको दिया गया है, यानी कि 26 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो आवेदन कर सकते हैं, सिर्फ इसी भर्ती के लिए हुआ है। जो पहले कहा जा रहा था वैकेंसी आने से पहले ये अनुमान लगाया जा रहा था कि 1 जनवरी 2022 से आयु सीमा कैलकुलेट की जाएगी, तो ऐसा नहीं है, आयु सीमा 1/1/2023 से ही कैलकुलेट की जा रही है। 2022 से कैलकुलेट करने से नुकसान उन कैंडिडेट्स को हो रहा था जो 1 जनवरी 2022 के बाद 18 साल के हो रहे हैं, तो 18 से 23 प्लस 3 साल की छूट सबको दी गई है, और रिजर्व कैटेगरी का जो छूट दिया गया है वो ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल और एक्स सर्विसमैन का 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस और चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 रियॉट्स और क्रिमिनल रियॉट्स ऑफ 2002 इन गुजरात, चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट्स ऑफ विक्टिम्स किल्ड इन द 1984 रियॉट्स इन, उसमें भी यदि ओबीसी है तो उनको 8 साल और यदि एससी एसटी है तो 10 साल। अब डेट ऑफ बर्थ देखिए, आपको बताता हूं कि डेट ऑफ बर्थ फिल्ड बाय द कैंडिडेट इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द सेम रिकॉर्डेड इन द मैट्रिकुलेशन। डेट ऑफ बर्थ जो है आपका जो मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट में है विल बी एक्सेप्टेड बाय द कमिटी फॉर डिटरमाइनिंग द एज एंड नो सबसिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर चेंज विल बी कंसिडर्ड और ग्रांटेड। तो ये तो बात हो गई देखिए एज लिमिट की। अब उसके बाद अगले वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे कि आपके क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट। सबसे पहले देखिए ऐसा नहीं गलती करना है कि पहले ही चलो फॉर्म अप्लाई कर दें, फॉर्म अप्लाई करने से पहले इस नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से आपको स्टडी करना है, एनालिसिस करना है उसका। हाँ, तैयारी आप अभी से आज दिन से ही शुरू कर दीजिए। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, दूसरे पार्ट जो है इस वीडियो के उनके लिए जल्द ही आपके लिए लेकर आएंगे और बात करेंगे आपसे, आपके जो डाउट्स हैं उनको भी क्लियर करेंगे। जय हिंद। गायत्री प्री मेडिकल सेंटर सीकर राजस्थान। आ मेडिकल टीम, आई स्पेशलिस्ट एमडी फिजिशियन, specialist, physiotherapist. हमारे सेंटर पर कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप की सुविधा उपलब्ध है। बुक योर अपॉइंटमेंट 9982877443।